नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से लेफ्ट के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के मुखिया अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज कांग्रेस के हाईकमान ने आधिकारिक रूप से पश्चिम बंगाल में लेफ्ट दलों के साथ गठबंधन की इजाजत दे दी है। अगले साल पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल, असम, पुदुचेरी में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले CPIM की सेंट्रल कमेटी ने अक्टूबर महीने में ही पश्चिम बंगाल में सेक्युलर दलों के गठबंधन की मंजूरी दे दी थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। CPIM ने भी सेंट्रल कमेटी के फैसले के साथ जाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि 2016 के चुनाव में सेंट्रल कमेटी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में चुनाव में कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि लेफ्ट दलों ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद लेफ्ट दलों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का फैसला लिया। अहम बात यह है कि इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में TMC, लेफ्ट दलों और कांग्रेस के अलावा BJP सबसे अहम विपक्ष के तौर पर सामने आया है, लिहाजा अब बंगाल में चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रदेश में BJP की एंट्री TMC ने कराई थी, TMC ने ही बंगाल में BJP के लिए दरवाजे खोले थे। 1999 में BJP TMC के गठबंधन का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने उस वक्त ममता बनर्जी को BJP को लेकर चेतावनी दी थी। अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल में BJP की एंट्री कराने के लिए ममता बनर्जी को प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।